आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। मैं आने वाले तमाम मुअज्जज शुआरा के एक मरतबा अपनी इंतजामिया की तरफ से और गजल कबीले के अराकीन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और खैर मकदम करता हूं। और मैं नाज़िम मुशायरा जनाब तारिक उस्मानी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो बात बाकायदा तौर पे इस मुशायरे का आगाज। शुक्रिया गजल कबीले के सदर जनाब समर खान अबदोर साहब। मौजूद हाजरीन तमाम शोरा हजरात सामईन किराम सभी को सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खास बातें जो उर्दू के हवाले से थी वो दर्द बन के समर खाना बदोश साहब के की जबान से आप तक पहुंची। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, मजीद उन बातों को मैं बीच बीच में इंशाल्लाह बयान करता रहूंगा। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर मुशायरे का आगाज करने से पहले आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि मुशायरे में दो संतों से कार्रवाई आगे बढ़ती है। एक संत तो स्टेज की जानिब है, स्टेज से जो कुछ पढ़ा जाए जो कुछ कहा जाए वो आप लोगों तक पहुंचता है। आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप बेहतर रद्द अमल के साथ शोराए कराम का इस्तकबाल करें, तालियां बजा के आप उन्हें दाद दे सकते हैं और उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। बीच में मैं आपसे मुखातिब होता रहूंगा। बाकायदा इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए मैं सबसे पहले मुजफ्फर वारसी साहब की लिखी हुई हम के चंद अशआर पढ़ता हूं और उसके बाद बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम का की आगाज की तरफ चलूंगा। नाते पाक की तरफ मैं जाऊंगा। एक बहुत मोतबर नात खां हमारे बीच तशरीफ रखते हैं, उन्हें दावत कलाम दूं। इससे पहले मैं मुजफ्फर वारसी साहब की ये हम आपकी नजर करना चाहता हूं, इसलिए कि हर प्रोग्राम का की शुरुआत खालिक कायनात की तारीफ से होनी चाहिए।